सबसे बलवान पक्षी होता है बाज। बाज जानते हो बहुत ऊपर उड़ता है। बाज की जो मादा होती है, बाज की जो पत्नी होती है, गर्भवती जब बनती है ना, तो बाज की मादा घोंसला बनाती है। एक दुनिया में बाज की मादा ऐसी है जो अलग प्रकार का घोंसला बनाती है, चिड़िया घास का घोंसला बनाती है, पर बाज की मादा कांटों का घोंसला बनाती है। कांटे इकट्ठा करती है बबूल के कांटे लाती है और उसके ऊपर हल्की फुल्की सी घास डालती है और अंडे रखती है। जब अंडे सेक लेती है, फूटने का आ जाता, अंडा फूट जाते हैं, बच्चे 10 दिन के हो जाते हैं, तो चोंच से पकड़ पकड़ करके सारी घास हटा देती है। वो कांटे पे बच्चों को बिठाती, किसी ने कहा कितनी निर्दयी माँ है तू, अपने बच्चों को कांटे में तू बिठाती है। तब उस बाज की मादा ने कहा, मुझे पता है यदि मैंने अपने बच्चों को कांटों में चलना नहीं सिखाया तो कल इनका कोई भी शिकार कर लेगा। इन्हें सबसे ऊपर उड़ना है तो इन्हें कांटों में तो चलना ही पड़ेगा। इसलिए बाज सबसे ऊपर उड़ता है, सबसे खतरनाक पक्षी माना जाता है। उसका वार कभी बेकार नहीं जाता क्योंकि उसने कांटों से शिक्षा पाई है। यहाँ चुभन, जब जितनी चुभन होती है ना, व्यक्ति उतना मजबूत बनता है। और आपने अपनी बेटियों को, बेटों को संस्कार दिए क्या है? नंगे पांव भी तो तुमने पत्थर में चलाया नहीं, चलाया होता तो एक्यूप्रेशर से ही सब ठीक हो जाता, पर वो भी तो होने नहीं दिया। ज्यादा सुविधा सबके लिए हानिकारक है, याद रखिएगा। आज हर व्यक्ति, हम देख रहे हैं हर प्रकार की सुविधाएं, आजकल घर में पर्दे भी बंद होते हैं तो इलेक्ट्रिक बंद होते हैं, बटन दबा दो पर्दे बंद हो जाएंगे, बटन दबा दो पर्दे खुल जाएंगे। क्यों? अब हाथ पांव पर्दे लगाने के लिए भी नहीं हिल रहे हैं क्या? इतने कमजोर हो गए हो? इसी बहाने कुछ एक्टिविटी होती थी शरीर की, वो भी बंद कर दी। क्या सुविधाओं के पीछे क्यों भाग रहे हो आप लोग? यही सुविधाएं आपका समूल नष्ट करेंगी, याद रखिएगा। ये सुविधाएं तुम्हें कमजोर बनाएंगी। कल भगवान ना करे मुसीबत आ गई देश पर, तुम्हारे जीवन पर, और तुम्हारी आदत तो सुविधाओं से जीने की थी, तो क्या करोगे? इसलिए भगवान करे आपके पास बहुत धन हो, पर ऐसी सुविधाएं नहीं, थोड़ा सा शरीर को परिश्रमी बनाओ, मजबूत बनाओ, जूजू ना बना दो। कल को रोना पड़ेगा मेरी माँ, आपके भले की बात बोल रहा हूं, मर्जी आपकी है। बेटों को, बेटियों को सब प्रकार से रेडी कीजिएगा, बात बात पे झगड़ा ना किया करो, बात बात का बुरा ना माना करो। अरे मैंने कुछ कह दिया तो बुरा मानने की क्या बात है, हंस के टाल दो। पति ने कुछ कह दिया तो हंस लो, आज पत्नी ने कुछ कह दिया तो तुम हंस लो, क्या जरूरी है मुंह लगने की? आपने कुछ बोला और मैंने भी कुछ बोला, क्या जरूरत थी मेरे बोलने की? चुप रहो ना भैया, सबके घर झगड़ा होता है, जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब हो। कुछ युद्ध भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध किया, 17 बार तो हराया, 18वीं बार खुद मैदान छोड़ के भाग गए कि नहीं? कई बार हार जाने में ही जीत होती है, कई बार बोलो, कई बार हार जाने में क्या होती है? जीत होती है। इसलिए पाकिस्तान से युद्ध करने का अवसर आए हमें तो हमें वहां जीतना है, आतंकवादियों से लड़ने का मौका लगे तो वहां हमें जीतना है। जब भी हम भारत के गद्दारों से लड़ें तो हम जीतें, जब भी अपने दुश्मन से लड़ें तो जीतें, पर जब भी तुम्हारा झगड़ा तुम्हारे सगे भाई से हो तो भाई से जीतने का प्रयास कभी ना करना, झगड़ा पति से हो तो जीतने का प्रयास ना करना, झगड़ा माँ से हो तो जीतने का प्रयास ना करना। अपनों के रिश्तों में सदा हार जाना, क्योंकि इनकी हार में ही तुम्हारी जीत छिपी है। इन रिश्तों में भाई से तुम जीत कर क्या करोगे? भाई से जीत कर, वाह मैं भाई से जीत गया, पागल, भाई से जीत गया। आतंकवादियों से जीतते, पाकिस्तान से जीतते तो हम मानते कि हाँ जीत गए तुम,
भाई से क्या जीत गए तुम? क्यों जीतने का प्रयास, हार क्यों नहीं गए? भाई डांट रहा सुन लो ना, बड़ा भाई है छोटा भाई है, आज उसका दिमाग खराब है, चलो डांट रहा है बोल रहा सुन लो, तुम तो समझदार हो, तुम्हारी पत्नी है, पत्नी कितना बड़ा त्याग करती है तब ये पत्नियां बनती हैं। पुरुष का कोई त्याग नहीं है जीवन में, पर पत्नी का त्याग मैं आपको गिनाता हूं गिनना। पुरुष अपनी माँ को अपने पिता को नहीं छोड़ता, पर स्त्री शादी के तुरंत बाद अपनी माता और पिता को छोड़ती है। स्त्री का त्याग, शादी के पहले पहनावा अलग था, शादी के बाद पहनावा वही होगा जो ससुराल की मर्जी होगी। शादी के पहले मांग नहीं थी, शादी के बाद मांग, माथा मेरा है पर सिंदूर पति के नाम का होगा, हाथ मेरा है पर चूड़ी पति के नाम की होगी, गला मेरा है पर मंगलसूत्र पति के नाम का होगा, पांव मेरा है पर माहौर पति के नाम का होगा, कान मेरे हैं पर बाले पति के नाम के होंगे, पेट मेरा है पर बच्चा पति का है, रक्त मेरा बहेगा पेट मेरा फटेगा, पर बेटे को नाम माँ का नहीं मिलता, बेटे को नाम बाप का मिलता है। इतना बलिदान देने के बाद तुम कहते हो तुम पांव की जूती हो, तो यार तुम अच्छी किस्म के कुत्ते भी नहीं हो, क्योंकि कुत्ता जिस पत्तल में खाता है ना उसकी रात भर चाकरी करता है, वो स्त्री जो इतना त्याग करती है एक पति के लिए, और बाद में पति हद तो तब हो गई जब पति ने कह दिया निकल जा मेरे घर से, पति ने कह दिया पत्नी को, बाप ने कह दिया जा तेरे घर, बाप ने विदा किया बेटी को जा बेटी तेरे घर, वो ये सोचकर आई कि मेरे पिता ने कहा है ये मेरा घर है, वो अपने घर आई, पर कुछ दिन बाद पति से झगड़ा हुआ, पति ने कहा जा मेरे घर से, अब पत्नी कंफ्यूज हो गई, पिता ने कहा था ये मेरे घर, ये पति कह रहा अपने, अब उसका घर क्या है बताओ, उसका घर कौन सा है बताओ, वो लोग बताएं जो अपनी पत्नियों को पांव की जूती समझते हैं, बताओ पत्नी का घर कौन सा है? बाप ने तो कहा था ससुराल तुम्हारा घर है, और पति ने आज गुस्से में कह दी अपने घर जाओ, तो उसका घर है कौन सा, किसको वो अपना कहे? क्या ये यहां से वहां चक्कर काटने आई है? हाँ, जब मन करा तो भगा दिया, जब मन करा सो गले लगा लिया, अरे थोड़ा सा तो सम्मान कर लो उस स्त्री का। जब सीता माँ जंगल गई तो सीता माँ के पांव में छाले पड़ गए, कांटे लग गए, तो राम जी ने अपने हाथ से सीता जी के पांव के कांटे निकाले हैं। केवल पत्नी ही पति के पांव दबाए ऐसा नहीं है, कभी पत्नी के पांव में छाला पड़ जाए तो पति को भी तो उसके पांव को पकड़ के छाला देख लेना चाहिए, यही तो पति धर्म है। माता सीता जब वनवास गई थी, माता सीता वनवास गई थी तो माता सीता से वनवासी कपड़े पहनना नहीं आते थे, क्योंकि वो राजसी कपड़े पहनती थी, और उनके कपड़े वनवासी कैसे पहने उनसे आता नहीं था, और मंथरा खड़ी थी, कैकेयी खड़ी थी, सुमंत्र जी खड़े थे, दशरथ जी खड़े थे, और वहां पर कौन कपड़ा पहनाए माता सीता को? तब राम जी ने आगे बढ़कर के माता सीता को जंगली कपड़े पहनाना सिखाया, ऐसे पहनते हैं। अपनी पत्नी का सम्मान करना यदि किसी ने सिखाया है तो भगवान राम ने अपनी पत्नी का सम्मान करना सिखाया है। अरे सम्मान, लोग कहते हैं प्यार की निशानी ताजमहल है, ताजमहल बनाने वाले ने सात सात शादियां की थी, ताजमहल नहीं है, प्रेम की निशानी तो राम सेतु है, जो राम जी ने सीता के लिए सेतु बना दिया समुद्र में, और रावण जैसे दुष्ट को दमन करके सीता को सम्मान के साथ वापस लेकर आए। चाहते तो राम जी राजा थे, दूसरा विवाह कर लेते, तीसरा विवाह कर लेते, क्या जरूरत थी एक नारी के लिए इतना बड़ा झगड़ा करने की, पर ना, नारी के सम्मान के लिए झगड़ा था, झगड़ा रावण से नहीं था, झगड़ा तो नारी के सम्मान का था, इसलिए नारी का सम्मान कीजिएगा।